जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं जया एकादशी 2023 कब की है। शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व। पुराणों में माघ महीने को बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है। इस माह में स्नान और दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि माघ महीने में स्नान, दान और व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक मिलता है। इसके अलावा इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का भी विशेष महत्व बताया गया है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जया एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है। आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का मुहूर्त और पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 31 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 11:55 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन 1 फरवरी बुधवार को दोपहर 2:01 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी व्रत 1 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। 1 फरवरी को प्रातः काल से लेकर सुबह 8:30 तक पूजा का उत्तम मुहूर्त है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:10 से प्रारंभ है और अगले दिन 2 फरवरी को प्रातः 3:23 तक है। इसके अलावा जया एकादशी को इंद्र योग भी बना है। इंद्र योग इस दिन प्रातः काल से लेकर सुबह 11:30 तक है। इंद्र योग भी शुभ योग होता है। 2 फरवरी को जया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का समय सुबह 7:09 से सुबह 9:19 तक है। एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और फिर विष्णु जी की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें, पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधों के सामने दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखें। इस एकादशी पर हरि विष्णु की आराधना कर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। जया एकादशी के दिन व्यक्ति को दान में मिला हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को व्रत कर हरि विष्णु का सुमरण करना चाहिए। एकादशी पर अगर आपने व्रत रखा है तो उस दिन क्रोध करने से बचें। एकादशी के दिन चावल, पालक, पान, गाजर आदि खाने से बचें। जया एकादशी के दिन यदि आपके द्वार पर कोई जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। एकादशी पर एकादशी व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। जया एकादशी के दिन अपने बाल, नाखून, दाढ़ी आदि नहीं कटवाने चाहिए। जया एकादशी के दिन व्यक्ति को झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।